हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू उपासना की दुनिया। तो यार थैंक यू सो मच उपासना की दुनिया को इतना सारा प्यार देने के लिए। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी रेमेडी को लेके जिससे मतलब लड़कियां बहुत ज्यादा परेशान हैं, वो है आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, PCOD। उसके लिए हम लोग लेजर करवा रहे हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो हाउ टू गेट रिड फ्रॉम द अनवांटेड फेशियल हेयर्स, जो मतलब इस टाइम पे ना, मतलब कई बार तो कई फीमेल्स मैं ऐसी देखती हूँ, कई गर्ल्स ऐसी हो गई जिनके बियर्ड की इतनी ज्यादा ग्रोथ हो गई, बहुत ज्यादा एम्बेरस फील कर रही है। इवन कुछ टाइम पहले मैं एक पेशेंट से मिली थी जो कह रहे कि मैम हम लास्ट 10 ईयर से कंटिन्यूटी में सिटिंग्स ले रहे हैं, स्टिल फेशियल हेयर ग्रोथ मेरी इतनी एक्सेस है। मतलब इतने थिक हेयर थे उनके चेहरे पे और मतलब पूरी एक बियर्ड यहाँ यहाँ तक पूरा हो चुका है, ये पूरा एरिया कवर हो चुका है। देखो सबसे पहले जब भी आपको बिल्कुल अर्ली स्टेज में डायग्नोज होता है ना कि आपको PCOD है या पीरियड्स में इशू है, डोंट गो फॉर हार्मोनल थेरेपी। इधर इट्स फॉर 5 डेज और फॉर 21 डेज, ठीक है। आप बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में आपको लगता है एक दो साइकिल से आप क्योर कर सकते हो, बिल्कुल जाओ। अगर लॉन्ग टर्म है उसका साइड इफेक्ट इतना ज्यादा है और सबसे कॉमन है हिर्सिटिज्म यानी फेशियल हेयर ग्रोथ। एक बार स्टार्ट हो गया आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इतनी बड़ी बड़ी एक एक दो दो दाढ़ी आना शुरू होगी और बाद में बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। अच्छा, इसके रिलेटेड मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, वो आप मेरे चैनल पे पीछे की वीडियोस में जाके देख सकते हो। आज मैं और छोटी छोटी रेमेडीज बताऊंगी जो उतना ही बेनिफिशियल वर्क करेंगी और लास्ट में बताऊंगी कौन सी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्राचीन टाइम में ना, अब तो वॉलनट स्क्रब, आलमंड, मतलब पता नहीं कितने तरह के स्क्रब आ गए, लेकिन पहले टाइम में ये सब चीजें नहीं होती थी। तो लोग किस तरह से स्क्रब बनाते हैं, सबसे नेचुरल जो एजेंट है जो स्क्रब का काम करता है दैट इज शुगर। मैंने आपको एक स्किन के लिए पहले भी रेमेडी बताई है, टोमेटो पे शुगर को रख के किस तरह से करना है, बहुत अच्छा वर्क करता है। तो वही चीज है यहाँ पे, आपको क्या करना है, आप कॉपी पेन ले लीजिए सो दैट आप भूलो नहीं, कि एक पैन लेना है या छोटा कटोरा ले लीजिए कुछ भी, उसमें आपको 2 चम्मच डालना है चीनी का, उसमें 1 चम्मच डालना है लेमन जूस और उसमें 8-9 स्पून डालने हैं पानी के, और उसको बिल्कुल कम आंच पे धीरे धीरे पकने देना है, जैसे हम चाशनी बनाते हैं घर पे। जब वो एकदम थिक पेस्ट बन जाए ना, गैस बंद करके उसे ठंडा करने देना, वो एक तरह से नेचुरल वैक्स की तरह बन जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी डायरेक्शन में आपके हेयर्स है ना उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको अप्लाई करना है इस तरह से पूरा, और 30 मिनट्स के बाद सर्कुलर मोशन में इसको वॉश कर लेना है। तो जिनको भी बिल्कुल छोटे छोटे फॉलिकल्स हैं, थिन हेयर्स होंगे, उसको ये रिमूव करने में बहुत अमेजिंगली वर्क करेगा। शुगर आपके स्किन को नेचुरली पील करेगा, लेमन उसको सॉफ्ट करेगा, वाटर उसके साथ मिक्स करके वो एक तरह से वैक्स की फॉर्म में नेचुरल वे से रिमूव करेगा। बहुत सिंपल रेमेडी है। अच्छा, जो भी आज मैं रेमेडी बताऊंगी आपको हर कोई अप्लाई नहीं करनी है, आप एक करके देखिए, फिर आपको लग रहा है ये वर्क नहीं कर रही, फिर देन सेकेंड थर्ड, ये कंट्रोल करेगा। अगर आप सोचोगे परमानेंट सॉल्यूशन, वो चीज नहीं है, वो आपको कॉज पे वर्क करने पड़ेगा। और परमानेंट जो सॉल्यूशन है वो भी मैं लास्ट में बताऊंगी क्या है। अब आती है जो सेकंड रेमेडी, वो भी बहुत अमेजिंग है, लेकिन उससे पहले छोटी सी चीजों पे बात करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया यार मुझे, मतलब मैं कई बार खुद को, मतलब आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड कि आप सब मेरे परिवार का हिस्सा बने और मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो। इसी बीच में मतलब आप लोग बहुत अलग अलग जगह जगह पे बैठ के, मतलब पूरे इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हो मेडिसिन के लिए और आप लोग अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हो, उसके लिए भी शुक्रिया। लेकिन यार कई बार क्या होता है कि देखो मैं अपना सब्स्टिट्यूट वहां पे नहीं रख सकती हूँ कि मैं और डॉक्टर हायर करूँ, क्योंकि आपका ट्रस्ट मुझ पे है, तो उस चीज को टाइम लगता है। जैसे बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, मेरे टीम है पूरी, बट आपको भी पता है व्हाट्सएप एक नंबर पे चलता है, मुझे उस पे सारे मैसेजेस उनको देखना, रिवर्ट करना, फिर आपके तक हमें उन चीजों को पहुंचाना। तो आपके जब मैं मैसेज देखती हूँ कि मैम रिवर्ट नहीं आया, फिर आप मैसेज करते हैं आपको ऑटोमेटेड मैसेज आता है, वो मैंने ही पूरा कस्टमाइज किया हुआ है, जिसमें आपको प्रॉपरली आता है कि थैंक यू आपको कॉन्टेक्ट करने के लिए, यू विल गेट योर रिवर्ट विद इन 24 hours to 48 hours। क्योंकि यार इतने सारे मैसेजेस होते हैं ना, तो हम 1 से 2 दिन हमें टाइम लगता है आपको अप्रोच करने में। ऐसा नहीं है जहां आपने इतना पेशेंस रखा है, थोड़ा सा आप रखिए। और कई बार क्या होता है यार कि हम एक एक नंबर पे ना कॉलिंग करते हैं, वहां पे मैसेज में रिवर्ट नहीं करते, तो आपको कई बार अननोन नंबर से कॉल आ रही है, आप पिक नहीं करते हो, तो उसके बाद यार थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है दोबारा छांट के आप तक पहुंचना। अगर आपको 1 से 2 दिन में रिवर्ट नहीं आ रहा, आपको लगता है कि नहीं हमें वो सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, आप दोबारा से मैसेज कर दीजिए कि मैम हमने 2 दिन पहले किया था, हमें रिवर्ट नहीं मिला,
थोड़े से एफर्ट हम करते हैं, थोड़े से आप करिए, डेफिनेटली आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। सेकेंडली, कभी भी आपको फेस के रिलेटेड प्रॉब्लम है या कुछ भी ना, आप इमेज शेयर कर दिया करो, रिपोर्ट शेयर, तो उससे टाइम बच जाता है आपका भी और हमारा भी। अब आते हैं सेकेंड रेमेडी की तरफ। आपको क्या करना है, ओट मील के 2 स्पून लेने हैं, ठीक है, और उसमें लेना है बनाना, आधा बनाना उसमें कट करके डाल के उसका जो है अच्छे से आपको पेस्ट बना देना है, मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। जो ओट्स हैं वो भी नेचुरल स्क्रबर का वर्क करते हैं, और जो बनाना है स्किन को जो है एक्सफोलिएट करके ना उसको नरिश करता है, पोटाशियम रिच है। उसका जो पेस्ट बना लिया आपने, उसको चेहरे पे हेयर्स की डायरेक्शन में लगाना है, देन ऑपोजिट डायरेक्शन में रिमूव करना है। ये भी बहुत अमेजिंगली नेचुरल वैक्स की तरह वर्क करता है, और फेस से जो एक्सेसिव हेयर की ग्रोथ है उसको रिमूव करने में बहुत अमेजिंगली वर्क करता है। ये 2 ऐसी रेमेडी हैं जो आप पे बहुत अच्छा वर्क करती हैं, और आपको इसको स्लोली स्लोली यूज करना है, स्लोली स्लोली इफेक्ट आएगा। जैसे कि कोई भी होम रेमेडी है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, नॉर्मली लोग फेस पे थ्रेड से करवाते हैं, वैक्स करवाते हैं, तो ये भी नेचुरल वही है, बट ये है कि ग्रोथ को धीरे धीरे रिड्यूस करना शुरू कर देगा ये। और यार आप लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में करते हैं कि मैम, अच्छा मैंने, अगर मैं एग्जांपल लूँ 2-3 दिन पहले की वीडियो की, जब मैंने कमेंट्स देखे थे कि मैम वेट लूज पे बता दीजिए, मैम हेयर फॉल पे बता दीजिए, आप जब भी कोई वीडियो देखते हैं पुरानी वीडियोस जाके देखिए, हर टॉपिक पे कम से कम आपको 3 से 4 वीडियोस मिलेंगी हर टॉपिक पे। लेकिन थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा कि आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक मैं कवर कर चुकी हूँ, अब तो मैं उसको वर्सेटाइल लेके आ रही हूँ कि ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, सब्स्टिट्यूट उसके क्या हो सकते हैं। जो हनी है वो बहुत अमेजिंग वर्क करता है, तो अब मैं एक छोटी सी रेमेडी बताऊंगी, ये काफी इफेक्टिव है जो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस देखा, बाकी 2 भी लोगों पे वर्क करती है, पर इसने भी बहुत अमेजिंग वर्क किया है। आपको 2 चम्मच चीनी लेने हैं, उसमें 1 चम्मच लेमन जूस डालना है, और 1 चम्मच हनी ऐड करके पेस्ट बना लेना है। अब आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दो और उसको बॉईल होने दो, उसमें बबल्स बनने दो, प्रॉपर चाशनी टाइप बनने दो। जब वो प्रॉपरली चाशनी टाइप बन जाएगा उसके बाद उसे ठंडा होने दो। पहले आपको अपने फेस पे जहां भी हेयर्स है ना, जैसे हम वैक्स करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैक्स करते हैं तो क्या करते हैं, पाउडर का इस्तेमाल करते हैं स्किन को बिल्कुल ड्राई करने को। तो यहाँ पे जो आपका पाउडर है वो कॉर्नस्टार्च होगा, यानी कि मक्की का आटा, उस पे आपको अप्लाई करना है मक्की का आटा। जैसे आप इस तरफ कर रहे हैं तो यहां से अप्लाई करना है, देन जो वो पेस्ट है उसको आप विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला स्प्रेड कर लीजिए, और उसको ओपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से स्क्रब करके कर दीजिए या वैक्स स्ट्रिप से। ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है, इससे ये है यार कि स्लोली स्लोली ग्रोथ को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम सेंटेंस अगेन एंड अगेन, कि ये परमानेंट नहीं है, ये सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन है। अगर आपको परमानेंट चाहिए तो 4th एंड लास्ट बहुत इफेक्टिव है, जो मैंने पुरानी वीडियोस में बताई थी, वो है ये मैलकोरा जूना, सब लोग इसको अलग अलग बोलते हैं, हम चामा बोलते हैं जैसे। तो इसको क्या करना है, जैसे आपका फेस है आपको उस पर लगाना है गीला करके सोप, सोप लगा के बिल्कुल हल्के हाथों से इसे हेयर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में आप यहां से स्टार्ट करो, और इस तरह से आपको जो है रब करना है। जैसे आपके चिन पे है तो आप चिन पे कर लीजिए, यहाँ पे है तो यहाँ पे, यहाँ पे तो यहाँ पे, स्लोली स्लोली 3 से 4 मिनट 5 मिनट दिन में आप 1 से 2 बार करिए। ये इतना अच्छा वर्क करेगा। अब इसका काम क्या है, जैसे एक्सेसिव जो हेयर ग्रोथ है ना, ये फॉलिकल्स को नीचे से ब्रेक करेगा, रीग्रोथ करने में उसको डैमेज करेगा, मतलब हेल्प नहीं करेगा, तो वो रीग्रो कर ही नहीं पाएंगे स्लोली स्लोली पूरे यहाँ पे स्प्रेड। इवन जैसे अगर आपके बच्चे छोटे हैं उनके बाजू पे बहुत ज्यादा ग्रोथ है, तो सेम आप ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो इस तरह से आपको इस रेमेडी को परफॉर्म करना है, रगड़ना नहीं है, स्किन डैमेज हो जाएगी और फिर उसको हील करने में बहुत टाइम लगेगा, स्लोली स्लोली। देखो मैं सिर्फ इस तरह से इतने हल्के हाथों से मैं इसको परफॉर्म कर रही हूँ, बिल्कुल जैसे अपने सोच रहे हैं कि बिल्कुल बेबी सॉफ्ट स्किन होती है हमारे फेस की, तो बच्चों को जैसे हम नहलाते नहीं बहुत केयर से ओवर पैम्पर करके, वैसे वो चीज करनी है आपको। तो यार ये इतनी अमेजिंग रेमेडी है, बहुत अच्छा वर्क करती है, मतलब ये होम हैक है जो पुराने टाइम में लोग करते थे ना। मुझे आज भी पता है अपर हिमाचल में ना एक प्रैक्टिस की जाती है, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उपटन से उसकी बॉडी पे ऑपोजिट डायरेक्शन में मालिश की जाती है, ताकि उसके हेयर्स की ग्रोथ ना हो। वहाँ लोगों की बॉडी पे ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, हेयर्स की होती नहीं है इवन, ठीक है। अगर हम अपनी मम्मी नानी दादा उनको भी देखें ना, उनके बॉडी पे भी ज्यादा हेयर्स की ग्रोथ नहीं है, दैट इज द रीजन कि वो लोग बचपन में ऑपोजिट डायरेक्शन में मालिश करते थे। तो ये है। और यार इसी के साथ आप बताना कि आपको हमारे हैक्स कैसे लगते हैं। अगर आप बिल्कुल नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, इसी तरह प्यार देना है। ये नंबर दिया गया आपको हेल्थ रिलेटेड इशू के लिए, कोई भी है आप कभी भी कंसल्ट करिए।
11 to 6 हमारी टाइमिंग रहती है, इन बिटवीन आप विजिट कर सकते हो, आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो, सारी फैसिलिटी आपके लिए है। जो यार प्रिस्क्रिप्शन होती है 1 से 2 दिन डिस्पैच करने में लगता है, क्योंकि मुझे प्रिस्क्राइब करनी होती है एक एक चीज, तो हम उतना टाइम लेते हैं। उसके बाद आपको ऑनलाइन डिलीवरी मतलब कंसल्ट करके डोर स्टेप डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, और इसी तरह उपासना की दुनिया को प्यार देते रहिए। थैंक यू।